मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत आज उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 से भी विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा यात्रा छत्रसाल चौराहे से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस नंबर 1 ग्राउंड पहुंचकर समाप्त हुई। साथ ही इस तिरंगा यात्रा में पुलिस बैंड और बच्चों के द्वारा 3 रंगों का ध्वज पताका आकर्षण की केंद्र रही। बता दें कि इस यात्रा में DIG, SP और कलेक्टर भी विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कहा कि शासन के निर्देश अनुसार हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत आज उत्कृष्ट विद्यालय से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। जैसे कि 15 अगस्त को आपको सभी को विदित है कि हमारा स्वतंत्रता पर्व मनाया जा रहा है, एक राष्ट्रीय पर्व है और आज उसी पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए पूरा शहर, स्कूल के बच्चे, सभी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मी और आम जनता, मीडिया सभी उसमें शरीक हुए और हाथ में तिरंगा लेकर देश प्रेम से ओतप्रोत होकर पूरे क्षेत्रवासियों में एक उमंग और उल्लास का माहौल पैदा किया कि किस तरह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई है और उसको हमें कैसे सहेज के रखना है। मेरी तरफ से सभी छतरपुर वासियों को, पुलिस परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस मौके पर आज हमारे जो पुलिस बैंड का था उसका भी एक डिस्प्ले किया गया बीच रोड पर, सभी ने उसको देखा, उसकी भी काफ़ी सराहना हुई और आज का दिन वास्तव में बहुत गर्वित करने वाला है। और इसके मद्देनजर जो हमारा आने वाला जो त्यौहार राशि पर उसको हम और ज़्यादा धूमधाम हर्षोल्लास के साथ